नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुश जोहर एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल फूडी। और दोस्तों, मुझे पता है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड का पूरा पूरा फायदा उठा रहे होंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करके। तो दोस्तों, लगभग आज 15 से 16 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को और बहुत ही मन कर रहा था, बहुत ही क्रेविंग हो रही थी कुछ चटपटा सा खट्टा मीठा खाने का। तो मैं भी बाहर गया और मैंने बहुत सर्च किया थोड़ा सा मार्केट में, जो क्योंकि मेरे को आज ग्रोसरी लेने जाना था, मेरे एसेंशियल्स ख़त्म हो गए थे। तो उस समय मैंने देखा कि भैया गोलगप्पे की सामग्री भी नहीं है मार्केट में, और पहले बने बनाए गोलगप्पे आते थे और जिसको सिर्फ आप लेके आओ घर पे और फ्राई करो, तो सब लगभग मार्केट में सारी जो एसेंशियल्स है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गोलगप्पे घर पे ही ट्राई करूं और बना के देखूं कि कैसे बनते हैं। तो गाइस, वही मैं बनाने जा रहा हूं अभी किचन में। और मैंने लगभग थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स जो हैं बेसिक वही इकट्ठे करे हैं। मैं सिर्फ आटे और सूजी को मिक्स करके बनाऊंगा। मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं है और ना ही पता नहीं मैंने कितनी रेसिपीज़ देखी, लेकिन सारी रेसिपीज़ बहुत ही कन्फ्यूजिंग थी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे। तो भैया, आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हमें सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ ही नहीं करने हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। बाई चांस मेरे पास घर में गुड़ निकल आया है और इमली भी मेरे पास ड्राई निकल आई है। तो गाइस, पूरा ट्राई करूंगा मैं बनाने की। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं हम किचन में और बनाते हैं गोलगप्पे। पानी गरम, और पानी में गरम कर रहा हूँ इमली के लिए। ये 100 ग्राम के करीब मैंने इमली ली है। ये देखिए आप, ये इमली है बिल्कुल, हमें इसका पल्प निकालना है। तो इसको हम गरम पानी में भिगोएंगे, जो मेरा पानी गरम हो रहा है और उसी में हम इस इमली को भिगोएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट का। तो दोस्तों, हमने देखिए ये ले लिया है, हमारे पास है सूजी और हमारे पास है आटा। तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। क्वांटिटी देखिए, सूजी थोड़ा सा इससे कम है क्वांटिटी, और ये है हमारे पास आटा। और अब हम इस बाउल को लेंगे और इस बाउल में हम डाल लेंगे पहले सूजी, और हमारे पास बारीक सूजी होनी चाहिए जैसे आपको देख रही है, बिल्कुल ही बारीक है। और इसमें हम डालेंगे आटा। तो गाइस, अब हमारे पास है इसमें पानी, ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे जिससे कि ये एक टाइप का डो बन जाए। देखिए, तो जो सूजी है वो अपने आप इसमें एब्जॉर्ब करेगी पानी को धीरे धीरे, और हम कोशिश करेंगे कि ये पानी सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और एक अच्छा सा डो बन के आए। भाई, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डाला है इसमें। मैंने कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आपके सामने मैं इसको मिला रहा हूँ दोनों को। रैप करेंगे इसको डो को, और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। गाइस, आधे घंटे बाद हम इसको रेस्ट दे देंगे। गाइस, जैसा आप देख रहे हैं, ये डो हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। ये हमने इमली पहले से भिगो के रखी थी जिसको हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। हम इसको स्ट्रेन करेंगे, और हमारे पास बूंदी भी है जिसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये हमने इसको पूरा सा, हमने इसे देखिए आप, इमली को जब मैंने भिगोया था उसको मैश करके मैंने कर दिया, तो ये सारा पल्प निकल आया। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे।
मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाई दिए हैं और जब तक डो रेस्ट कर रहा है हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें सारे मेरी सामग्री है जो पुदीना है, मिर्ची है और धनिया है और हम इसी की ही चटनी बनाएंगे और हम इसी का ही पानी बनाएंगे और हम इसमें हल्का सा पानी डाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डाल लेता हूँ। परफेक्ट गाइस, ये देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे तो हमारे पास जो है बिल्कुल हरा पानी आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी जो है हमने निकाल लिया है ये, और इसमें हम और पानी निकालना है तो हमने इसमें और ऐड ऑन कर लिया है पानी और हम इसमें डालते जाएंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका फ्लेवर जो है निकाल सकें, तभी हमारा अच्छा गोलगप्पे का पानी बनेगा। ये हमारे पास ये हमारा गूंद चुका है जो हमने रेस्ट इसको किया था डो को, अब हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने इसे खोल लिया, ये देखिए कैसे ये बन गया है। अब हम इसको दोबारा से हम इस डो को नीड करेंगे, के लिए हमें ये देखिए कितना रेस्ट करने के बाद ये कैसा हो गया है। तो हम इसे अच्छे से गूंदना है, हमें बिल्कुल इसका जो ग्लूटेन है ना उसको फॉर्म करना है जैसे ब्रेड बनती है। तो गाइस हम इसमें थोड़ा सा तेल भी लगाएंगे, तो गाइस हम इसको अच्छी तरह मलेंगे और ग्लूटेन इसका हमें फॉर्म करना है। आप ये मेरा डो हो गया है लगभग, अब हम इसे लंबा पतला पतला कर लेंगे। हमें लोइयां बनानी है बिल्कुल छोटी छोटी। बेकरी में काटते हैं इसको भी वैसे ही काट देते हैं सो दैट तो बेल रहे हैं। पहले हम इसको, ये छोटी सी है, बेलन से इसको प्रेस कर लेंगे और हम इसे ऐसे करेंगे तो ये अब हम जितना इसे पतला करेंगे ये उतने गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। तो हम ऐसे कर करके इन सबको बनाएंगे। मेरा हाथ थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि मैं ट्रेन नहीं हूँ इसमें, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो गाइस इसको ऐसे दबा देंगे और ऐसे इसको आपको उतारना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सारे यहाँ पे कर लिए हैं और अभी कुछ यहाँ पे बच गई हैं हमारी थोड़ी सी, और थोड़ी सी ख़राब भी हो गई हैं, इसको दोबारा करेंगे। और यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो रहा है तो ऑयल हमें काफ़ी गरम करना है, तो ऑयल हमें काफ़ी गरम करना है। इसको थोड़ा सा स्मोकिंग पॉइंट पे लेके आना है तभी हमारी ये पफ होंगी पूड़ियाँ। गाइस अभी हमारा तेल गरम हो रहा है और ये यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया है, मैंने बेल लिया है, कुछ और भी बिल रही है, भैया थक भी गए हैं, काफ़ी मेहनत का काम है। तो भैया ऑल क्रेडिट गोज़ टू गोलगप्पे वाले भैया, भैया 10-15-20 रुपये में, जितने 20 रुपये में 3 गोलगप्पे खिलाते हैं, बहुत मेहनत का काम है। मुझे लगता है वो सुबह से शाम तक ये बनाते हैं फिर शाम को रेडी लगाते हैं। वैसे देख सकते हैं आप धुआं निकलना शुरू हो गया, अब हम इसमें डालते हैं। तो गाइस बहुत ही तेज वो होनी चाहिए, ये देखिए आप फूल गया गोलगप्पा, ये बहुत ही तेज आंच होनी चाहिए इसकी तभी ही ये गोलगप्पा फूलेगा वरना नहीं। तो
देखिए हमारा गोलगप्पा रेडी है। ये देखिए, आई एम सो हैप्पी गाइस। देखिए दो तीन बन चुके हैं, गप्पे हमारे रेडी हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे फूल गए हैं, अगर आप इनको देखेंगे ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हैं। ये अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो इसमें देखिए इसमें होल हो गया है। ये देखिए आप इसमें पानी भरें और इसे खाइए। तो गाइस अब हम पानी बनाएंगे इसमें। तो गाइस ये देखिए जो ये हमारे पास, हमने पहले से इसको बना के रखा था। हम इसको पानी को, आधा पानी को इसमें लेंगे और हम ये खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। तो गाइस जितना आपको खट्टे की जरूरत है इमली के पानी की, उतना ही आप डालें जितना आपको अपने स्वाद अनुसार। और ये हमने डाल दिया है। तो गाइस इसमें अब हम डाल देंगे नमक और इसमें ये थोड़ा सा हमारे पास काला नमक है, हम इसमें भी काला नमक भी डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाट मसाला। ये चाट मसाला डाल दिया गाइस और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग डाल के इसका फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया इसका टेस्ट हो जाएगा। तो गाइस में हमने डाल दिया हींग और इसमें डाल देंगे हम इसमें जीरा और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी पकौड़ियाँ। तो गाइस ये हो गया हमारा पानी तैयार। गाइस अब हमने ये बाउल ले लिया है और हमारे पास ऑलरेडी ये गुड़ वाला पानी है, तो हम इसमें पहले ये गुड़ वाला पानी डाल देते हैं। ये देखिए खट्टा मीठा चाहिए तो हम इसमें हल्के सी ये खट्टे पानी की ये डालेंगे इमली। ये मिंट का बनाया हुआ है तो हमें इसी से ही बनेगा, हमारे पास सौंठ नहीं है तो हम इसी से ही शॉर्टकट करेंगे और इसमें हल्का सा ही ये मिंट का पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे काला नमक भी। तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा कलर जो हमें इसका बिल्कुल हमें वैसा वाला कलर देगा जैसा सौंठ का होता है, तो हम इसमें हल्का सा कलर डालेंगे। तो गाइस इसमें मैंने कलर डाल लिया हल्का सा, अब मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेता हूँ। अरे वाह। तो गाइस ये देख रहे हैं आप पानी, ये देखिए आप कैसा रेड हो गया, इसका कलर ही चेंज हो गया और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे सौंठ का पानी है। और हम इसमें डाल देंगे पकौड़ी और ये हो गया हमारा मीठा पानी। तो गाइस गोलगप्पे हमारे रेडी हैं, वही बहुत मेहनत लगी है और ये देख लो आपके सामने रखे हुए हैं और एक ट्राई करते हैं, देखो आप। अरे वाह वाह, आवाज भी आ रही है। तो गाइस इसको ट्राई करते हैं, कौन सा पानी पिया जाए, मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद है, मैंने इसलिए बनाया। तो लेट्स ट्राई, मैंने भरा नहीं है। अरे गाइस लीक भी नहीं हो रहा है, लीक भी नहीं हो रहा है। अरे वाह, लेट्स हैव इट। अमेजिंग। तो दोस्तों गोलगप्पे तो भैया हमने खा लिए और बहुत ही बढ़िया बने थे, थैंक गॉड। सक्स मेरी जो रेसिपी थी, जो भी मेरी मेहनत थी वो सक्सेसफुल हुई और काफ़ी हमारी जॉइंट फैमिली है तो मैंने सबको, अपने अंकल वगैरह को सबको मैंने बुलाया था, अपने कज़न्स वगैरह को, और मैंने उनको भी खिलाया तो हम लोगों ने सब ने इंजॉय किया और सभी लोग खुश हो गए। इनफैक्ट वो भी दे गॉट सो इम्प्रेस कि भाई फाइनली हमें कुछ भैया ने कुछ खिलाया। तो गाइस आई होप आपको भी मन करेगा और अगर आपको भी अपनी फैमिली को इम्प्रेस करना है तो भैया जल्दी से अपनी किचन में जाएं और जल्दी से यही रेसिपी को फॉलो कीजिए और गोलगप्पे बनाएं और मेरे साथ भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
कि आपने कैसे बनाए हैं ये गोलगप्पे और कैसे रहे रिजल्ट्स। और गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, ट्रैवल फूडी के नाम से मेरा पेज है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलेगा, क्योंकि वही आपको बताएगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा। और शेयर कीजिए अपनी मासियों के साथ, अपनी बुआ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने चटोरी फ्रेंड्स के साथ, और बस बता दीजिए उनको कि कैसे बनाने हैं गोलगप्पे। और बस यही एक वायरल हो जाएगा आपकी फैमिली में, और सभी गोलगप्पे बनाएंगे, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लॉकडाउन में ऐसे ही मज़े करते रहिए मेरी तरह। सी यू।